नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्द विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानन्दं ईशं आनन्दि वल्लभं गोविन्द देवं वतिनां वरिष्ठं लब्ध प्रतिष्ठं हरिभक्ति निष्ठं ज्ञाने गगण्यं मुतभूरि पुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। गीता पढ़नी है। कल हम 14वें श्लोक तक रुके थे, यानी भगवान ने अर्जुन को उपदेश करना शुरू किया है और उसने उसने बतलाया था कि माता सुरक्षा सुकौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदाहा, यानी इंद्रियां भी और उनके विषय भी ये दोनों ही अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं। हाँ, शीतोष्ण सुख दुख यानी अनुकूल या प्रतिकूल की अनुभूति वो करा देते हैं, लेकिन वो अनित्य हैं और उनको अविचल होके उनको झेलना चाहिए, ये बतलाया है। और आगे क्या बतलाते हैं अभी देखिए, 15वां श्लोक अभी शुरू करते हैं। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभो समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम पुरुषम एते न व्यथयन्ति, एते यानी ये यानी कौन, मात्रा और स्पर्श यानी इंद्रियां और विषय। तो यम न व्यथयन्ति यानी क्या कि ये इंद्रियों के विषय जिसको व्यथित नहीं करते। पूछेंगे भाई कभी कभी दुख देते हैं लेकिन अधिकांश तो सुख ही देते हैं ना, व्यथित कैसे करते हैं? क्या है, जहाँ हम सुख चाहते हैं वहाँ थोड़ा सा भी विपरीत कुछ हुआ कि हमारा अपेक्षा भंग होता है और फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे मूल में तो वही है कि हम कुछ न कुछ चाहते रहते हैं और चाहने के बाद ही व्यथा होती है। तो ये व्यथा जो है उसका भी मूल कारण क्या है, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। तो जिसको ये इंद्रियां और ये इंद्रियों के विषय जिसको व्यथित नहीं करते और समदुख सुखम धीरम सोमतत्वाय कल्पते, किसको नहीं व्यथित करते, तो जो धीर हो, यही शब्द पहले भी आ चुका है कि जो धीर गंभीर है यानी जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, अविचल भाव से सुख भी झेलता, तो सुख झेलना नहीं होता, सुख पाना होता है, मगर सुख पाने के बाद भी जो चढ़ नहीं जाता, दुख आया तो भी उसी अविचल भाव से झेल लेता है, उसको धीर कहा जाता है। रामायण में इसका बड़ा अच्छा उदाहरण राम का दिया है कि प्रभु राम को देखिए छोटी सी उम्र है, युवा है, उनको बतलाया गया कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया, जैसी आज्ञा पिताजी की आज्ञा, उससे कोई वो ऐसे नहीं उछल नहीं पड़े, खुशी भी झेल ली उन्होंने, खुशी भी उन्होंने कैसी कर ली, स्वीकार कर ली। फिर दूसरा दिन सुबह सुबह उनको बतलाया गया कि राज्याभिषेक तो है ही नहीं बल्कि तुमको वनवास जाना है और बलकल धारी होना है। तो भी प्रभु राम जी का चेहरा वैसा ही है, कोई उस पर दुख नहीं, यानि राज्याभिषेक की बात सुन के और एकदम उसके विपरीत दूसरी कड़ी है वनवास जाना, तो वो भी उन्होंने अविचल भाव से सम दुख सुख, दुख भी वैसे ही सुख भी वैसे ही उनके लिए समान था। तो ऐसा जो होता है उसके लिए धीर शब्द आता है। यहाँ यही बताया है सम दुख सुखम धीरम, ऐसा जो आदमी है कि जिसके लिए सुख दुख दोनों समान है, तो उसको ये मात्राएं
ये स्पर्श यानी ये इंद्रियां, ये उनके विषय ये व्यथित नहीं करते। और ऐसे पुरुष को क्या होता है, भगवान कहते हैं सह अमृतत्वाय कल्पते। अमृत, अमृत माने वो नहीं जिसका पान करते हैं देव लोग, अमृत यानी मृत नहीं होना यानी अमर हो जाना। अमृतत्व का मतलब है अमर हो जाना। तो जो इस प्रकार से सुख को और दुख को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, ठीक है ये है ना, ठीक ये ऐसा है ना, ठीक सुख है तो भी दुख है तो भी, जो समान भाव से स्वीकार कर लेता है वह अमर हो जाता है। अमृतत्वाय कल्पते माने अमर हो जाता है। अब यहाँ देखिए अमर होना माने क्या, फिर हमारे जैसे लोग है ना, ये देह कोई मैं समझते है ना, वो लगता है अमर होना माने क्या, ये जो हमारा देह है ये कभी मरेगा नहीं। अब भाई देह है वो तो मरेगा ही, जो जो पैदा हुआ है जिस जिसका भी निर्माण हुआ है उसका क्षरण होना ही है, जो जो निर्माण हुआ उसका अंत होना ही है, आगे आएगा इसी अध्याय में आएगा। तो शरीर तो पैदा हुआ है वो जाएगा, पैदा कौन नहीं हुआ, अनादि अनंत कौन है, आत्म तत्व है जो कब पैदा हुआ मालूम ही नहीं। अब भाई जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो था ही। हाँ अभी देखिए हवा, अभी ऐसा हम बोलेंगे क्या कि इस पृथ्वी तल पर अमुक एक प्रदेश है जहाँ हवा नहीं, जी हम इसका विचार ही नहीं कर सकते। हवा तो है ही, चाहे प्रदूषित हो लेकिन हवा तो है ना। अच्छा हम बोलेंगे 200 साल पहले नहीं थी यहाँ हवा, अब आई, अगर नहीं नहीं ऐसा नहीं तब भी थी। अच्छा 200 साल बाद यहाँ हवा नहीं होगी, अगर ऐसा नहीं होगा होगी नहीं, यानी क्या है ये कब है। इसके लिए ये जो लोग हैं ना चिन्मय मिशन वाले, उनका शब्द बड़ा अच्छा है, वो हमेशा अंग्रेजी में बोलते हैं, उन्होंने इजनेस, बड़ा मुखर शब्द है इजनेस, यानी है ही, है पना, जो है ही जिसका अस्तित्व कभी मिटता ही नहीं, ऐसा है ये आत्मतत्व जिसमें इजनेस है। तो कैसा है ये जो पा गया इजनेस, पा गया तो उसको मालूम है वो शांत है। ये देह है ना, शीर्यते इति शरीरम, देह को शरीर कहा जाता है। शरीर माने क्या, जो शीर्ण होता है जीर्ण होता है, कभी हमेशा नया नया नहीं रहता। हम नया कपड़ा खरीदते हैं तो एक दिन जीर्ण होता ही है ना, कभी न कभी पुराना होता है, वैसा ही है इसी में आएगा वासाओं से जीर्णाने, आगे थोड़ी देर बाद आएगा। तो ये भी ऐसा ही है, जीर्ण शीर्ण होने वाला है, इसलिए शरीर है। तो ये तो भाई जाएगा, मगर मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं अमर हूँ। ये जिसको पता चला तो वो अमर नहीं हुआ क्या। आपको फिर से भागवत की याद आती है, सही माने में अभी हम गीता पे बोल रहे हैं लेकिन क्या कहूँ, याद आती है। आपको सबको मालूम है कि परीक्षित राजा को कहा गया था कि आज 7 दिन बाद अब तक्षक आएगा, दंश करेगा और तुम मृत्यु पा जाओगे। ये मालूम था उसको कि मेरा हाथ में केवल 7 दिन है, बाद में तो तक्षक आके दंश करेगा। और वैसा आया भी वो तक्षक, लेकिन इन 7 दिनों का इसने ऐसा सदुपयोग किया, ये भी टाइम मैनेजमेंट है भला, समझ लो कि 7 ही दिन है हाथ में तो उनका सदुपयोग कैसे करना यहाँ पता चलता है। तो ऐसा हुआ कि तक्षक तो आया दंश करने को, दंश किसको किया, तब तक ये था ही नहीं जिंदा। इसने भागवत सुनने के बाद जो ध्यानस्थ हुआ अपना ब्रह्मरंध्र खोला और अपने प्राण को इसके साथ मिला लिया, ब्रह्म तत्व के साथ। अब बताइए तक्षक ने क्या किया, आके दंश किया वो उसके मृत शरीर को किया। अगर वो तो अमृत हो ही गया, अमर हो ही गया, तो ये किसको पता चलता है
जो सम दुख सुखम धीरम सोम तत्वाय कल्पते। तो जो यम न व्यथयन एते एते यानी ये माता और ये स्पर्श जिसको व्यथित नहीं करते, जो दुख को और सुख को समान मानता है, ऐसा जो धीर है परीक्षित जैसा। परीक्षित को तो खैर उपदेश के कारण वो स्थिति प्राप्त हुई, पर मूलतया जैसे रामचंद्र जैसा, तो प्रभु राम जैसा, तो ऐसा जो है धीर सह अमर तत्व आय कर वही अमर हो जाता है। ये क्यों बताया? बतलाने का कारण है, अर्जुन को लग रहा है कि मैं हमारे गुरुजनों पे शस्त्र चलाऊंगा, उन्हें मारूंगा, और भाई वो मरने वाले हैं ही नहीं। देखिए ना, भीष्म चले गए, सबको मालूम है भीष्म चले गए, माने भीष्म का देह चला गया, लेकिन आज भी हमारे अंतरात्मा में भीष्म भी है, अर्जुन भी है। कहाँ गए वो? वो तो अमर ही रहे ना। तो ये जो है ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सम दुख सुखम नहीं। ठीक है, आगे क्या बतलाते हैं? अगला श्लोक देखेंगे आप, 16वां श्लोक है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो न असतः भावः विद्यते। अब भाव शब्द हम हिंदी में दूसरा अर्थ में ये करते हैं, भाव भावना वगैरह। वस्तुतः भाव माने है अस्तित्व। चौंक गए ना, क्योंकि हमको भाव का ये अर्थ मालूम नहीं है, न हिंदी में न मराठी भाषी जो होंगे उन्हें भी ये नहीं मालूम है। ये बताइए, अभाव शब्द का तो हम प्रयोग करते हैं, अभाव है माने क्या है? नहीं है। हाँ, भाव को ही तो अ लगाया है निगेशन के लिए। हाँ, तो निगेशन का अ लगाया तो अभाव माने ना होना, तो भाव माने क्या? होना, अस्तित्व। यहाँ उस अस्तित्व अर्थ से ये आया है, न असतः भाव विद्यते। जो असत है, असत है माने जो नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं होता। सीधी सी बात है, ये तो सभी को मालूम है। किसी को बोल दिया कि जाके खरगोश के सींग ले आओ, अब कहाँ मिलेंगे? खरगोश के सींग होते ही नहीं ना। तो असतः भाव न विद्यते, जो है ही नहीं उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। अगर चाहे पूरे ब्रह्मांड घूम लो नहीं मिलेंगे, क्योंकि न असतः भाव विद्यते। ठीक है, फिर आगे क्या है? ना भावो विद्यते सतः। और जो सत है, सतः षष्ठी है उसकी, जो सत है यानी जो है ही, जिसमें इजनेस है उनकी भाषा में बोले तो, जो है ही, जो हमेशा रहता ही है, उसका न अभाव विद्यते, उसका कभी अभाव होता ही नहीं। सीधे सरल शब्दों में क्या हुआ कि जो असत है यानी जो है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं, और जो सत है यानी जो सदैव रहता ही है, जिसका अस्तित्व होता ही है, उसका कभी अभाव नहीं होता। अब आप पूछेंगे कौन सी बड़ी बात बताई, ये तो हम भी जानते हैं कि जो नहीं होता उसका अस्तित्व नहीं, और जो है उसको, जैसे अभी बोला कि हवा, वो है ही, हमें उसका अनुभव हो या ना हो मगर हवा है ही। तो जो है उसका अभाव नहीं, जो नहीं है उसका अस्तित्व नहीं। ये क्यों बताया है? ये इसलिए बताया है कि जो आत्म तत्व है, जो आत्म तत्व क्या है, ये जीवात्मा जो है उसी परमात्मा का अंश है। और परमात्मा कैसा है? हमेशा ही रहता है, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, तीनों कालों में। ये तो हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, अध्यात्म की भाषा में बोलो तो पांचों कालों में रहेगा ही रहेगा। तो वो जो है
उसका कभी अभाव नहीं होता, यानी ऐसा कालखंड में एक क्षण भी नहीं है कि जिसमें भगवान ईश्वर ब्रह्म आप अलग अलग नामों से पुकारे हैं, उनमें भी देखा जाए तो अंतर है, लेकिन ठीक है हम मोटे मोटे तौर पर यदि देखते हैं तो इनका कभी भी अभाव नहीं होता। ऐसा कोई भी किसी भी युग का किसी कोई भी क्षण हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है कि उस क्षण में भगवान ही नहीं थे, ऐसा कोई क्षण किसी भी युग में नहीं था। जो है उसका अभाव कभी नहीं होता। अब जो असत है उसका भाव न विद्यते बोला, ये जरा थोड़ा सा समझने को कठिन है, क्योंकि हमको अपना देह दिखता है। अब इसको असत कैसे कहेंगे, जो दिख रहा है, जो चल रहा है, बोल रहा है, उसको हम असत कैसे कहेंगे? वो असत इसलिए है क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, नश्वर ही होने वाला है, तो उसका सदैव नहीं रहता उसका अस्तित्व। अभी है, वर्तमान काल में है, पर वर्तमान काल कितना छोटा है। देखिए एक आदमी है, मान लीजिए शतायुषी है, 100 साल तक जिया, ठीक है, तो उस 100 साल तक वो है, लेकिन नहीं है का कालखंड कितना है देखिए ना, वहां से आई है कृतयुग से लेके, तो वो कृतयुग में नहीं था, ये देह आत्मा था, आत्मा थी लेकिन देह नहीं था, तो कृतयुग में ये देह नहीं था, त्रेता युग में नहीं था, द्वापर युग में नहीं था, कलयुग में भी जब तक ये पैदा नहीं हुआ था तब तक नहीं था। अच्छा आगे भी जब ये देह भस्मसात होगा उसके बाद भी नहीं है तो नहीं है, कभी भी नहीं है, ठीक है, तो वो है ही नहीं ना, है कितना छोटे से कालखंड तक। और जिसको हम बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ, अपने अस्तित्व का कितना अभिमान होता है, और मैं ये कर रहा हूँ, कर्तृत्व का अभिमान, अपने अस्तित्व का अभिमान, ये जो है ना, ये बोलते हैं सब क्या है, ये वस्तुतः होता ही नहीं। अर्जुन को थोड़ा सा यही इसी की बाधा है, मैं मारूंगा भीष्म को। अब कृष्ण ने वैसा बताया नहीं है भगवान ने, लेकिन यही पूछना है कि हाँ बेटा तू होता कौन है मारने वाला है, तो कितनी तुम्हारी अस्तित्व की कितनी है परिधि, जब तक जीवित हो तब तक बस, तो तुम भी असत हो और भीष्म की भी देह असत है, तुम नहीं हो असत, तुम्हारे देह असत है और भीष्म की भी देह असत है, और जो होने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है, वो तो आत्म तत्व है और वो तुम्हारा भी रहेगा, उनका भी रहेगा, इसलिए पहले ही बोला है कि ऐसा कोई भी क्षण नहीं है कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था या भीष्म नहीं थे, सभी थे ही, हाँ अलग अलग देहों में थे, ये है। तो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोऽपि दृष्टः अन्तः, दोनों का अंत तक देख लिया है। अंत माने ये मत समझे दोनों का अंत देखा माने उनकी समाप्ति देखी, नहीं, अंत तक, याने अस्तित्व का अर्थ क्या है ये उसके अंतिम बिंदु तक पहचानना, अंत तक जाना, अस्तित्व के समान ही ये, यानी असत नहीं होता है जो, अशाश्वतता, नश्वरता, नश्वरता के भी अंत तक पहुंचना, ये साधारण आदमी की बात नहीं है, ये हर एक को समझ में नहीं आता, तो इसलिए बतलाया है कि उभयो हो अपनी दृष्टः अंतः, मैं सभी विच्छेद करके पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, उभयो हो अपनी दृष्टः अंतः तू अनयो हो तत्वदर्शी भी, अनयो हो उभयो हो अपनी अंतः, अनयो हो उभयो हो, इन दोनों का माने असत और सत का, कुछ असत है यानी अशाश्वत है, नश्वर है, कुछ सत है माने सनातन है, चिरंतन है, जो नित्य है, शाश्वत है,
वो तो उभयो हो अपि अनयो हो, इन दोनों चीजों का अंत किसने देखा है? तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने तत्व को देख लिया। अब ये तत्व क्या चीज है, होता क्या है? कई लोग हैं ना, गीता के बारे में नहीं बोल रहे, किसी भी ग्रंथ के बारे में यदि संस्कृत नहीं आती तो वो सहारा लेते हैं भाषांतर का, अनुवाद का। अब तत्व का अनुवाद क्या होता है? इंग्लिश में कहिए तत्व यानी प्रिंसिपल, हिंदी में तो तत्व को तत्व ही कहते हैं। हाँ, अब तत्वदर्शी माने क्या? जो प्रिंसिपल को, सिद्धांत को, तत्व को देखते हैं। अगर याने क्या करते हैं, सारा ये शब्दों में मत उलझ जाइए, तत्वदर्शी माने क्या ये समझना है हमको। तो क्या है तत्वदर्शी, याने इसका जो मूल है, मर्म है, जो सार है, कि ये देह जो है कदापि सदैव टिकने वाला नहीं है, और आत्म तत्व है जो कदापि मरने वाला नहीं है। अभी तो है जो जीवित है उसके अंदर के आत्म तत्व की हमें अनुभूति होती है, क्योंकि उसी के कारण उसकी देह चलती है फिरती है, वरना क्या है? अरे किसी शव को देखिए, उस शव के क्या आंखें नहीं होती? होती है मगर देखती नहीं। उस शव के क्या हाथ पांव नहीं होते? होते हैं मगर हिलते नहीं, क्योंकि उनको हिलाने वाला, उनको चैतन्य देने वाला जो उनकी एनर्जी है, वो एनर्जी जो है ना, एनर्जी नेवर डाइज। ये जो है, यहाँ आप कोई फिजिक्स वाले बैठे होंगे, उनको तो ये मालूम ही होगा। तो जो एनर्जी है, जो चैतन्य तत्व है, उसका तो कभी अंत होना ही नहीं है, और आत्म तत्व वही एनर्जी है जो कभी भी नहीं जाती, और इसलिए उसका अभाव कभी भी नहीं होता। ये जिन्होंने समझ लिया वो है तत्वदर्शी। तो जो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने उभयो हो अपि अनयो हो अंतः मुष्टः, यानी इन दोनों का अंत तक, अंतिम बिंदु तक उन्होंने इसका सार समझ लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला श्लोक है। अविनाशित तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो अविनाशित तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, इदं सर्वम ये सब कुछ, ये सब कुछ माने जो जो कुछ हमको दिखता है ये दुनिया पूरी। अब दिखता है माने केवल हमारे नजर के इसमें आता है उतना नहीं, अभी जैसे हम बोलेंगे इंग्लैंड, हमें अभी दिख नहीं रहा है, नहीं है उसका अस्तित्व, ऐसा नहीं मानेंगे। है, दिख भले ही नहीं रहा है मगर वो है, ये हम जानते हैं, है ना, शब्द प्रमाण है ये, तो जाने दीजिए, हमको उतने अंत तक नहीं जाना। बात ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो कुछ हमारे ज्ञान के परिधि में आता है, तत्सर्वम येन ततम, ततम तन धातु का अर्थ है विस्तारित करना, फैलाना। तो येन ततम, जिसने ये सब फैलाया है, ये सारी दुनिया, ये सारा पूरा ब्रह्मांड जिसने फैलाया है, हाँ जिसने फैलाया है, हाँ वो तत्व, उसको पुल्लिंग नहीं बोला है, नपुंसकलिंग कहा है, क्योंकि तत्व हिंदी में तो नपुंसकलिंग होता ही नहीं लेकिन संस्कृत में होता है, तो इसलिए यहाँ अविनाशी जो शब्द है, आपके सामने यदि पुस्तक है तो आपको दिखेगा कि अविनाशी कशी जो है वो ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है। यदि पुल्लिंगी शब्द होता तो अविनाशी होता, शी दीर्घ होता, यहाँ अविनाशी कहा है। क्यों? क्योंकि वो तत्व है, तत्त्वम, जिस तत्व ने, जिस प्रिंसिपल ने, हाँ ये सर्वमिदं ततम, ये पूरा ब्रह्मांड जिसने फैलाया है वो अविनाशी है। ब्रह्मांड अविनाशी नहीं है, प्रलय होगा तो सब कुछ जाएगा,
आज हमको लग रहा है कि हाँ भाई घड़ा फूट गया तो क्या हो गया, मिट्टी तो गएगी, हम मिट्टी को शाश्वत समझते हैं, लेकिन वो नहीं है। जब तक कि पृथ्वी है, जब तक ब्रह्मांड है, जब तक प्रलय नहीं हुआ तभी तक मिट्टी है, मगर प्रलय होने के बाद तो ये भी सब नष्ट ही हो जाएगा। इसलिए ये जिसने सब फैलाया है तत्तत्वम अविनाशी विद्धि अविनाशी तो तद विद्धि विद्धि यानी जान लो, समझ लो, बूझ लो, मस्तक में धारण करो। विद्धि शब्द का अर्थ ये है कि इस बात को तुम पूरी तरह से ग्रहण करो कि जिसने ये सब फैलाया है। अब क्या क्या फैलाया है, दुनिया तो दिखती है, कहीं पत्थर है, कहीं पानी है, कहीं वन है, अरण्य है, कहीं शहर है, उसी प्रकार अनेक तरह के प्राणी है, पशु है, सब है। ये जिसने सब फैलाया हाँ वो स्वयं अविनाशी है, ठीक है। और ये सब जो जो भी फैलाया है वो विनाशी है, विनाशी है माने इसका विनाश होना अटल है, वो तो चूक नहीं सकता, प्रलय के समय सब जाने वाला है। इसलिए फिर से जोर दे के बतलाया है कि विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति अस्य अव्ययस्य विनाशम, इस अव्यय का विनाश कोई नहीं कर सकता। अव्यय का क्या मतलब है, आप लोगों ने यदि हिंदी या मराठी या संस्कृत व्याकरण यदि पढ़ी है तो व्याकरण में अव्यय शब्द आपने सुना होगा, व्याकरण में आता है। जैसे हिंदी में कहें तो यदि, तथा, ये सब अव्यय है ना। मराठी वाले कोई होंगे सुन रहे होंगे तो उनके लिए बोलती हूँ आणी पौण, ये जो शब्द हैं ये सारे कैसे हैं, अव्यय। क्यों बोला है भाई अव्यय, सुनिए, व्यय का अर्थ है बदल। हाँ यहाँ कोई अर्थशास्त्र वाले बैठे होंगे तो उनको व्यय और आय इतना ही मालूम रहता है, आय और व्यय, आय माने कमाना, व्यय माने गंवाना, है ना, वो व्यय नहीं। वस्तुतः हम व्यय करते हैं माने क्या करते हैं, खर्च करते हैं ना, खर्च होता है क्या, मुझे बताइए। आपने कोई चीज खरीदी, पैसा दिया, चीज आई, ठीक है, आपने क्या बोला, मैंने इतने पैसे व्यय किए यानी खर्च किए, खर्च नहीं होते, बस इस हिस्से से उस हिस्से में जाते हैं, व्यय नहीं हो उनका, अंत नहीं होता, खर्च नहीं होता, वो आप कहीं जाएंगे, बदल होता है। ये परिवर्तन जो है व्यय का अर्थ है परिवर्तन, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो है अव्यय। अब थोड़ा सा व्याकरण का थोड़ा सा सुन लीजिए जिससे कि ये अधिक स्पष्ट हो। मुझे मालूम है ये कोई व्याकरण का वर्ग नहीं है, लेकिन भैया जब तक ये मूल बातें नहीं समझ में आएंगी तब तक कैसे अव्यय क्यों कहा जाता है इस परम तत्व को, इस समझने के लिए हमको व्याकरण का ये अव्यय मालूम होना आवश्यक है। क्या है व्यय माने परिवर्तन, देखिए शब्दों में परिवर्तन होता है ना, जैसे जाना एक धातु है, अब उसमें गया, जाऊंगा, गई, जाती हूँ, ये ऐसे फर्क होते हैं ना। सबके मूल में क्या है, जाना, ठीक है। कोई संज्ञा लीजिए, बालक, तो बालक बोले तो बालक ने, बालक को, कुछ फर्क पड़ता ही है कि नहीं, हाँ इसमें फर्क पड़ता है। तो फर्क काहे के कारण होता है, उसके पांच कारण होते हैं व्यय के, व्यय माने परिवर्तन बदल। मूल शब्द में प्रातिपदिक में जो कोई व्याकरण वाले होंगे उन्हें तो समझ में आ जाएगा प्रातिपदिक यानी क्या, जो नहीं होंगे उनके लिए बताती हूँ कि प्रातिपदिक माने मूल शब्द। तो मूल शब्द में जो फर्क होते हैं, संस्कृत की व्याकरण जैसे मालूम है तो देव शब्द है तो देवेन देवस्य देवाय, ये जो शब्द हो गए फर्क हो गया, क्यों हुआ, विभक्ति के कारण हुआ।
फिर गम धातु है, तो अगच्छत गच्छामि गमिष्यामि ये जो हो गया ये काय के लिए हुआ, काल के कारण हुआ, जाऊंगा गया यानी क्या हुआ, जाऊंगा भविष्य काल में है, गया भूतकाल में है, मूल में एक ही जाना ठीक है, मगर फर्क हो गए शब्दों में, फर्क होने के ऐसे पांच मूल कारण हैं, विभक्ति काल पुरुष, पुरुष माने जिसको अंग्रेजी में जिनको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कहते हैं उसके कारण, यानी तुम जाओगे मैं जाऊंगा, तो जाओगे जाऊंगा क्यों फर्क आया, पुरुष बदला, मैं जाऊंगा तुम जाओगे वह जाएगा, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन आया तो जाएगा, सेकंड पर्सन आएगा तो जाओगे, फर्स्ट पर्सन आएगा तो जाऊंगा, तो ये फर्क हुआ वो पुरुष के कारण हुआ तो विभक्ति काल पुरुष लिंग, लिंग जो होता है जेंडर उसके कारण भी फर्क होता है, जैसे लड़का लड़की ये तो मालूम है, विभक्ति काल पुरुष वचन वचन, हाँ वचन रह गया, वचन जो है एक वचन और बहुवचन उसके कारण भी फर्क होता है, लड़का मूल शब्द है और बहुत से हैं तो लड़के, तो ये जो पांच है विभक्ति काल पुरुष लिंग वचन, इन पांचों के कारण मूल शब्द में व्यय होता है, व्यय होता है माने बदल होता है, लेकिन ऐसे कोई शब्द हैं हर भाषा में जिनमें कोई फर्क ही नहीं होता, जैसे अब हिंदी में बोलिए तथा, अब तथा का स्त्रीलिंग कीजिए, तथा का भविष्यकाल कीजिए कुछ नहीं होगा ना, बहुवचन कीजिए होगा ही नहीं, इसमें व्यय होता ही नहीं, तथा शब्द तथा ही रहेगा है ना, इसलिए उसको अव्यय कहा गया है, ये जब हम समझ जाएंगे तब यहाँ पता चलेगा कि उस परम तत्व को अव्यय क्यों कहा गया है, जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, न लिंग न पुरुष न वचन न विभक्ति न काल, यही तो है सारी दुनिया, तो दुनिया का कोई भी तत्व जिसमें जरा भी परिवर्तन नहीं ला सकता वो है अव्यय, और वो कौन है, वही परम तत्व, वही ब्रह्म तत्व, और जिसने क्या किया है, ये न सर्वमिदं ततम, जिसने ये सारा कुछ ब्रह्मांड रचा है, ये सारा फैलाया है, ये सारा फैलाव किसका है, उसी का है, तो वो जो है अव्यय है, इसलिए ये अंतिम इसकी पंक्ति है कि अव्ययस्य अस्य विनाशम न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, इस अव्यय का विनाश कोई नहीं कर सकता, जो नाश होना तो दूर रहा, जिसमें परिवर्तन ही नहीं होता उसका नाश होना तो बहुत दूर की बात है जी, परिवर्तित भी नहीं जो होता, जो जो का क्यों है, अगर हम तो घड़ी घड़ी परिवर्तित होते हैं, 10 साल पहले एक 10 साल का बच्चा है उसको 10 साल बाद देखो तो एकदम अलग ही दिखने लगता है, जो दाढ़ी मूछ नहीं थी वो दिखने लगती है, तो ये कैसा परिवर्तित होता है, जिसमें न परिवर्तन है न जिसमें बुढ़ापा है, कुछ भी नहीं, जो है सो है, ऐसा जो है वो अव्यय, अब इसका विनाश होना तो संभव ही नहीं, तो इसलिए बोला गया है कि अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, ये है आत्मतत्व, और यही आत्मतत्व बताना यही इस गीता का मूल उद्देश्य है, ये बताया है अर्जुन को और अर्जुन के निमित्त से हम सबको, आज हम यही रुकते हैं, तो यहाँ पे अभी विराम लेते हैं, अगला सब कल देखेंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं वजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।